गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं लर्न एक्सेल हिंदी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पिवट टेबल में कैलकुलेटेड फील्ड को ऐड करना बिना हमारे डिफ़ॉल्ट जो हमारी रेंज होती है जहाँ से हम पिवट टेबल बनाते हैं वहाँ पे ऐड ना करके हम पिवट टेबल के अंदर ही कैलकुलेटेड फील्ड को ऐड करेंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से करना है। सबसे पहले आपका डाटा इस तरीके से होना चाहिए कि आपको समझ में आए कि मुझे कहाँ पर क्या चाहिए। सबसे पहले हमने जैसे यहाँ पे डाटा हमने लिया हुआ है सेल्स यूनिट, और ये नाम है सेल्समैन के, ये इनके प्रोडक्ट है जो उन्होंने बेचे हैं, टोटल है उनका, और सेल्स ऑफ यूनिट्स है यहाँ पे। तो ये देखते हैं किस तरीके से अब हमें ऐड करना है। सबसे पहले पिवट टेबल के ऑप्शंस में जाएंगे। यहाँ पर है आपके फॉर्मूलाज, इसके अंदर है कैलकुलेटेड फील्ड, इस पर क्लिक करेंगे और उस फील्ड को क्या नाम आप देना चाहते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि जो मेरे सेल्समैन हैं उन्होंने जो सेल्स की है उस पर उनको इंसेंटिव मिले, तो मैं इनका नाम दे देता हूँ इंसेंटिव, और इंसेंटिव मिले उनको पूरे टोटल पे जो उन्होंने सेल की है। तो इस टोटल को मैं फॉर्मूला में क्लिक करके डबल क्लिक करूँगा इस पर, तो ये इज इक्वल टू टोटल आ जाएगा इसमें। इस तरीके से आपको करना है ये। और मैं चाहता हूँ कि टोटल पे 2% का इंसेंटिव उनको मिलना चाहिए, तो मैं इस टोटल से मल्टीप्लाई करूँगा 2% से, उसके बाद मैं इसको ऐड करूँगा। तो अब आपने देखा यहाँ पे एक फील्ड जो है मेरा आ गया है इंसेंटिव का, उसके बाद ओके करूँगा मैं, और ये आ गया यहाँ पे इंसेंटिव। अब यहाँ पे इसने इंसेंटिव दे दिया है कि कितने का इंसेंटिव मिला है आर्यन नाम को, इतने टोटल सेल करने पे इतने का इंसेंटिव उसको मिला है, जो 70,500 का उसको मिला है इंसेंटिव टोटल इतनी सेल करने के बाद में। तो ये है हमारा कैलकुलेटेड फील्ड ऐड करने का पिवट टेबल के अंदर में। तो ये बहुत ही ईजी है, आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, और किसी भी तरह की आप फील्ड इसमें ऐड कर सकते हैं अपने पिवट टेबल के अंदर में। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एक्सेल लर्न हिंदी यूट्यूब पे जाके। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।